भी सामने आई, लोगों में जोश और जुनून दिखा, जुनून अपने अधिकार का, अपने नेता को चुनने का। 5 बज चुके हैं और वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश में 6 सीट पर वोटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर मतदान खत्म हो चुका है, पर लाइन लंबी है। यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो है लाइन में लगी हुई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कोई ड्यूटी से लौट रही हैं, कोई काम से लौट रही हैं और लाइन में लगी हुई हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर की। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। अब तक एमपी में 54% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ साफ तौर से दिखाई दे रही है। बालाघाट छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बालाघाट में 63.69% वोटिंग हुई है। छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए तो 62.57% मतदान यहां पर हुआ है। बस्तर में 8.14% वोटिंग हुई है। 58.14% वोटिंग जो है बस्तर में हुई है। तो ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि आखिर अभी तक कितनी वोटिंग जो है हो चुकी है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अब तक यहां फीसदी वोटिंग हो चुकी है। कितने फीसदी वोटिंग हो चुकी है सीट के हिसाब से बात करें तो बालाघाट का सबसे पहले जिक्र करते हैं। 63.69% यहां पर अब तक वोटिंग हो चुकी है। छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए 62.57% वोटिंग छिंदवाड़ा में हुई है। हॉट सीट है ये। जबलपुर का जिक्र करते हैं 48.05% यहां पर अभी तक वोटिंग परसेंटेज रहा है। मंडला का जिक्र करें, ये भी हॉट सीट बनी हुई है। लगातार जो है बीजेपी अपना जोर लगाए, कांग्रेस जोर लगाए हुए 58.28%। सीधी का जिक्र करें 40.60% यहां पर वोटिंग अब तक हो चुकी है। शेड्यूल का जिक्र करें 48.64% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। बस्तर छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें 58.14% वोटिंग हो चुकी है। तो ये आपको अलग अलग जगह का बता रहे हैं। बालाघाट का जिक्र करते हैं 63.69% बालाघाट में अब तक वोटिंग हो चुकी है। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लोगों ने लिया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह से लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। जो ड्यूटी पे गए हैं वो ड्यूटी से लौटते समय अब लाइनों में लगे हुए हैं और बस अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो लाइन खत्म होगी, हम जाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी बड़ी लाइनें, कतारें हर कहीं नजर आई। बालाघाट का हमने जिक्र किया 63.69% यहां पर मतदान हुआ। छिंदवाड़ा का जिक्र किया 62.57, जबलपुर का 48.05% यहां पर मतदान हुआ। मंडला का जिक्र करें तो 58.28% यहां पर मतदान हुआ है। सीधी में 40.60% मतदान हुआ है। और अगर बात पिछले लोकसभा चुनाव की की तो 2019 में बालाघाट में 77.69% वोटिंग हुई थी, यानी कि पिछली बार ज्यादा वोटिंग हुई थी। परसेंटेज पिछली बार ज्यादा था, इस बार ज्यादा नहीं है। अब तक यहां 63.69% वोटिंग हो चुकी है। उधर छिंदवाड़ा का जिक्र किया जाए 2019 की अगर हम बात करें 82.39% वोटिंग हुई थी और अभी तक 62.57% ही हो चुकी है, बहुत अंतर है। जबलपुर का जिक्र करें 2019 का जिक्र किया जाए तो 69.43% यहां पर वोटिंग हुई थी और यहां पर अब तक 48.05% वोटिंग हो चुकी है। मंडला की बात करें 2019 की 77.76% वोटिंग हुई थी और अब तक यहां पर 58.28% हो चुकी है। सीधी का जिक्र करें 2019 का, यहां पर 69.50% वोटिंग हुई है और अब तक यहां 40.60% वोटिंग हो चुकी है। बात शेड्यूल की करें तो यहां पर 74.73% वोटिंग हुई है 2019 में और अब तक यहां 48.64% वोटिंग हो चुकी है। बस्तर का जिक्र करें 2019 का 66.19% वोटिंग हुई थी, यहां अब तक 58.14% वोटिंग हुई है। और ज्यादा हमारे साथ जानकारी तो लगातार सहयोग दे ही रहे हैं, खास चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। घनश्याम पेरोनिया बीजेपी नेता हैं। घनश्याम जी बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम जी, 400 पार का नारा आखिर कहां ले जाएगा? जो लक्ष्य 29 का रखा है आपने, क्या लगता है पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, मध्य प्रदेश भर में और हमारे नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो जनहितैषी काम है, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम और जनता का जो हम पर विश्वास है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी जीत का लक्ष्य रखा है, 29 की 29 सीटों पर कमल खिलेगा
और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ऐसा हम सब लोगों का सोच है। ठीक ठीक, लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आखिर क्या सोच रहे हैं आप इस बार? एक सीट तो चलिए मात्र एक सीट आपके खाते में आई थी 19 में, इस बार तो उस पर भी असमंजस बना हुआ है, जैसी स्थिति हम देख रहे हैं, दिग्गज छोड़ करके चले गए। इस बार कैसा अनुमान लगा रहे हैं? 1, 2, 5, 6 कितनी सीट सोच रहे हैं आप? ऋतु जी, 2019 में 2 सीटें थी, कोरबा और बस्तर। इस बार भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को ये 400 सीट का जो नारा है वो जुमला है, ये भी जानते हैं। अगर धरातल में जमीनी हकीकत में यदि ये जीत रहे होते तो दल बदल कराने के लिए आरक्षण प्रकोष बनाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पता है कि मोदी के कुशासन से, मोदी सरकार के वादा खिलाफी से आम जनता जो है त्रस्त हो चुकी है और अब बदलने का मन बना चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी अधिसूचक सीटें जो है वो कांग्रेस जीतेगी। जिस प्रकार से देखिए ये श्रेय लेने की राजनीति करते हैं, इस बात का भी श्रेय देना चाहिए कि 55वें स्थान से भुखमरी इंडेक्स में भारत जो है आज 111वें स्थान पर खड़ा है। इस तरह से देश पर कुल खर्च का 3 गुना बढ़ा है, 54 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़, उसका श्रेय किसको जाता है? जिस प्रकार से तमाम टाइम बाउंड वादे थे भारतीय जनता पार्टी के, 100 दिन में महंगाई कम करने का, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, सांसदों ने गोद लिए थे वो गांव आज तक गोद में रह गए, एमएसपी का वादा था किसानों से, किसान आंदोलन के समय गारंटी की, कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, लेकिन ये तमाम कृषि उपकरणों में जीएसटी लगा दिए, खाद बीज कीटनाशक किसी को नहीं छोड़ा। तो मोदी सरकार देश की पहली और इकलौती किसान विरोधी सरकार है, इन्होंने किसानों से लगातार वादा खिलाफी की है। देश का युवा आज रोजगार की बाट जो हो रहा है, केंद्रीय विभागों में 9 लाख पद खाली है, सरकारी उपकरणों को जोड़ दिया तो लगभग 30 लाख वैकेंसी अधिक है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो रुके बैठी है। कांग्रेस ने वादा किया है 5 गए 25 गारंटी, जिस तरह से युवाओं से हमने रोजगार का वादा किया है, श्रमिकों से जो मनरेगा की मजदूरी है वो 200 से बढ़ा के 400 करने का वादा है। तो जिस प्रकार से सामाजिक न्याय को लेकर कांग्रेस करते रही है, हिस्सेदारी न्याय योजना हमारे घोषणा पत्र में है, हम महिलाओं से हमने वादा किया है 1 लाख रुपये साल का देने का, किसानों से एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किए हैं और जीएसटी से राहत देने की बात कही है। जीएसटी कृषि उत्पादों पर जो जीएसटी है लगा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी भयभीत है और केवल ये दल बदल पर के आश्रय है। तमाम जगहों में ये ईडी आईटी का जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दुरुपयोग हो रहा है, पिछले 3 साल से ईडी यहाँ पर भाजपा की मोर्चा संगठन के रूप में जमी हुई है और ये जांच एजेंसियों के माध्यम से आरोप लगाते हैं और उसके बाद दल बदल कराते हैं। कांग्रेस देखिए, जब विधायक थे कांग्रेस के चिंतामणि महाराज, 4 महीने पहले की बात है, पुरानी बात नहीं है, ये ईडी के आरोपी पता है कौन परिवहन मामले में, उसके बाद में उसको दल बदल करा के अभी प्रत्याशी बना दिए सरगुजा से। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुद्दाविहीन है, 15 साल 10 साल के इनकी वादा खिलाफी और पूर्ववर्ती जो भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है, ये उदाहरण है कि नंदराज पर्वत जो है आदिवासियों के, मतलब कि आप मानते हैं सुरेंद्र जी कि आपकी पार्टी में थे तो कल्पेट थे पर आप कल्पेट दिखाते नहीं थे, जैसे बीजेपी में गए तो कल्पेट को वॉशिंग मशीन में धो दिया गया और ठीक कर दिया गया, यही कहना चाहते ना आप? ऋतु जी, हमारा आरोप नहीं था, हमने कभी नहीं कहा कि चिंतामणि भ्रष्टाचारी है, ये भाजपा ही देखिए, ये इनका सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है, ये भ्रष्टाचार भी जो है ये केवल अवसरवादी राजनीति का प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से आरोप लगाती, हमने तो कभी नहीं कहा नवीन जिंदल को कोयला छोड़, 10 साल इतने सारे नेताओं को जब आप कहते हैं, चलिए पहले नहीं कहते हैं, बाद में तो कई सारे आरोप लगाते हैं, पहले आप कुछ नहीं कहते, जब पार्टी छोड़ते हैं ना तो आप कई आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं आपके नेता कहते हैं कि कचरा निकाल दिया हमने, वॉशिंग मशीन में धोएगी बीजेपी, कहते कि नहीं कहते हैं आप? हमने नहीं कहा। आज तमाम उदाहरण है, अजीत पवार को प्रधानमंत्री ने कहा था 70,000 करोड़ का आरोप, 3 दिन नहीं बीते डिप्टी सीएम बन गए भाजपा के सहयोग से, छगन भुजबल के खिलाफ तो इनके सहयोगी बनने के बाद बकायदा ईडी ने आवेदन देके कोर्ट से मामला वापस लिया, प्रफुल्ल पटेल 840 करोड़ के विमान घोटाले के आरोप जवाब ले लेते। ठीक घनश्याम जी, जो इतना तोड़ मरोड़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, इनके नेताओं को लाया जा रहा है, पहले आरोप लगाए जाते हैं फिर अपनी पार्टी में लाया जाता है, फिर आरोप हटा दिए जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धो दिया जाता है, तो क्या होगा उससे? देखिए, मैंने सुबह भी इनसे कहा था सुरेंद्र जी से कि इनकी भावना जैसी इनको वैसे दिखाई देता है जैसे संवैधानिक संस्थाओं का कांग्रेस की सरकारों ने सदुपयोग या दुरुपयोग किया है अपने हित में। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रकार का काम कर रही है और आपने बिल्कुल सही कहा, इनके साथ में रहते हैं तो वो दूध के धुले रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो जाते हैं तो आस्तीन के साफ हो जाते हैं और कचरा हो जाते हैं। ये बोलने का काम कांग्रेस कर रही है, इनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग जा क्यों रहे हैं।
अरे भाई जांच नहीं रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। हमारे यहाँ पर जब उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अनेकों वर्ष तक जिन्होंने कांग्रेस को पोषित पल्लवित किया, उनका जब हृदय से उनको द्रवितता हुई, दुखी हुए, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। पचौरी जी, आप खुद तो उन्होंने जो बयान दिया था, उनका जो कांग्रेस को छोड़कर के भाजपा में आने का जो बयान था, उन्होंने ये कहा था कि जाके प्रिय नाराम वैदे ही तजिये ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। भाई इन्होंने जो तिरस्कार किया, सनातन का जो इन्होंने अपमान किया, राम मंदिर के आमंत्रण पत्र को जिस प्रकार से ठुकराया, उससे आहत होकर के और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो सोच है, कांग्रेस का जो विचार है, जो कहीं ना कहीं भारतीय परंपराओं को, सनातन संस्कृति को और न मानने के कारण आज तमाम सारे नेता ठीक चलिए 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 घनश्याम जी, एक एक बात बताइए, यहाँ पर 19 और 24 के इलेक्शन में आखिर कितना बदलाव आप देख रहे हैं, 19 और 24 के इलेक्शन में कितना बदलाव आप देख रहे हैं, और क्या लगता है वाकई में जो 29 का नारा दिया जा रहा है, 400 पार का तो दिया ही जा रहा है, 29 पूरी सीट जीतने का दावा मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है, क्या वाकई में पॉसिबल है, क्योंकि कुछ कुछ सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है, नाराजगी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति दिख रही है, और यहां पर यह भी वादा है सीएम मोहन यादव को भी रिटर्न गिफ्ट देना है केंद्र को, साथ ही साथ साय साहब को भी देना है। नहीं नहीं, आप निश्चित रहें, जिस प्रकार से 10 साल में मोदी जी का कार्यकाल रहा है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से आई है, अन्य प्रांतों में भी आई है, इस बात का ये द्योतक है कि जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और उनकी नीतियों से प्रभावित है। भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, नीतियां हैं, हमने जो सब वर्गों का कल्याण किया है, मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर लोगों को जो विश्वास दिलाया है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे भाई जब इनकी सरकारें थीं और तब हाल क्या था प्रदेश का और देश का। आप अभी अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, अरे भाई 15 महीने कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आपकी थी, आपने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कितनों का कर्जा आपने माफ किया था, आपने कहा था हम युवाओं को 2 लाख रुपए देंगे, क्या कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने दिया क्या? केवल छलावा करने का काम ये किया था और उसकी परिणति थी कि आपका अपना घर नहीं संभाल पाए। और सुरेंद्र जी बीजेपी ने तो कसम खा ली है 400 पार की, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी 29 की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ में भी 11 सीटें, आखिर आप किस रणनीति के तहत आगे बढ़े, क्या लगता है आपको, इतना कॉन्फिडेंस कैसे कैसे आएंगी ये सीटें, एक तो इतने सारे नेताओं की टूट, दूसरी तरफ आपने छिंदवाड़ा का अगर जिक्र करें, आपने कहा कि आपका किला है आप बचा ही लेंगे, यहां पर इतना लंबा 7 लोगों का है, पर कमलनाथ को जो अकेला छोड़ दिया गया, क्या वाकई वो अकेले फतह कर पाएंगे क्या? तो नहीं, कांग्रेस में कोई अकेला नहीं होता, कांग्रेस की लड़ाई जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मिलकर लड़ते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद भी समझ रहे हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। आज जिन 102 सीटों पर चुनाव है, 70% जो है इंडिया गठबंधन जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केवल जुमला दे रहे हैं 400 पार का, जमीनी हकीकत क्या है ये भाजपा के नेता भी समझते हैं। अभी परशोरी जी का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया उनको, कितने बार राज्यसभा गए वो भी सब विदित है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से डर और लालच की राजनीति कर रही है अपना कुनबा बचाने के लिए, अपनी सरकार जो है जिस प्रकार से 10 साल में मोदी सरकार लोकप्रिय हुई है, तो प्रशासन जो वादा खिलाफी इन्होंने किया है, देश की 60% आबादी को गरीबी रेखा के नीचे धकेलने का काम ये किया है, आज इनके आंकड़ों में 81 करोड़ 25 लाख गरीब हो गए, उनको 5 किलो राशन का ये जुमला दे रहे हैं, जिस तरह से डॉलर की कीमत ये पहले 2014 में कहते थे प्रधानमंत्री की गरिमा उससे जुड़ी होती है, 59 रुपए से आज 83 रुपए 54 पैसा हो गया है, तो किसकी गरिमा गिर रही है बताए, जिस प्रकार से क्रूड ऑयल जो है 14 की तुलना में आज 40% कम है, पेट्रोल के दाम 1.5 गुना क्यों, 38 लाख करोड़ जो है जनता की जेब में डकैती डालने का काम केंद्र की मोदी सरकार की है, और देश के तमाम संसाधन बेच रहे हैं, 30 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम बेचती है, फिर भी कर्जा 3 गुना बढ़ा, मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, पूंजीपतियों का लोन लेट अप करने में, तो इनके फोकस में पूंजीपतियों का हित है देश की जनता समझ रही है, और अब जो है देश का युवा देश के किसान जो है मोदी सरकार के खिलाफ है, दिल्ली की सीमा में किसान बैठे हैं, उनसे बात करने के लिए भाजपा के नेताओं के पास समय नहीं है, उनको कभी आतंकी बताते हैं कभी खालिस्तानी बताते हैं, तो
जो देश का अन्नदाता है वो मोदी सरकार की वादा खिलाफी और मोदी सरकार के कुशासन के खिलाफ इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देगा और इस सरकार का जाना तय है और उल्टी गिनती चालू हो गई है। आज पहले चरण का चुनाव आज है और आज से ही आज किन 102 सीटों में है ऋतु जी चुनाव, वहां 70% में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं उसकी पोल तो इनको पता है, इंडिया गठबंधन में खुद ही फूट है, खुद ही फूट है, आप खुद देख रहे हैं, सब अलग थलग नजर आ रहे हैं, सब एक साथ लड़ने की कोशिश की है। बिल्कुल नहीं, ये दिखाया जा रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, ये तो पहले भी करते हैं, एक पद को दूसरे पद के खिलाफ खड़ा करना। नाराजगी आपके नेता खुद बयान दे रहे थे, खुद नाराजगी समझ में आ रही थी। ठीक है ठीक है, इंडिया गठबंधन की आप बात करें लौटूंगी इस पे। घनश्याम जी, अभी तक तो आपकी नैया पार करा दी विधानसभा में लाडली बहनों ने, क्या इस बार भी लग रहा है लाडली बहनें ही यहां पर जोर लगाएंगी या मोदी मैजिक चलने वाला है, राम मंदिर का फैक्टर चलने वाला है, क्योंकि मेन मुद्दे तो गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना प्रारंभ की, उसकी नकल में कांग्रेस ने भी कहा हम भी हर माह देंगे, अब सरकार इनकी बनी नहीं तो देंगे कहां से। लेकिन विश्वास जनता को भारतीय जनता पार्टी पर है और हमारी मध्य प्रदेश की संपूर्ण मातृशक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को जैसा आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है इस लोकसभा के चुनाव में भी पूरी मातृशक्ति और प्रधानमंत्री ने जो प्रारंभ किया है मातृशक्ति बंधन का कार्यक्रम हो, आप अंदाज लगाएं। बड़ी अजीब बात है घनश्याम जी, जब जीत हासिल हो गई थी विधानसभा में, इतनी बहुमत से आप आए थे, तब तो आप इसको क्रेडिट ही नहीं दे रहे थे, तब तो आप कह रहे थे कि लाडली बहनों की वजह से सिर्फ नहीं हुआ है, पर आप अब आपका बयान पूरी तरह से चेंज है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, बहनें कह रही हैं कि हाँ वाकई यही फैक्टर था। फिलहाल समय कम है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, तो लगातार आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आखिर कितना प्रतिशत वोट हुआ है। आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी अलग अलग तरह की, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े थे, उनका भी आखिर क्या कुछ कहना था वो भी आपने सुना, दोनों दावे वादे खूब करते हुए नजर आए, कहते आए कि हम जो है हम जीतने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे खाते में आने वाली हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व लोकतंत्र के महापर्व की खूबसूरत तस्वीर, पहले किया मतदान फिर शादी का जश्न, सुहाग की रस्म से पहले निभाई लोकतंत्र की कसम, गजब का उत्साह, नदी पार कर डाला वो, वोट करेंगे तो निखरेगा देश का लोकतंत्र। दादा पोता पिता तीन पीढ़ी एक साथ वो, विदेशी मेहमान बने लोकतंत्र के गवाह। Happy to see democracy at work in India. उत्तर से दक्षिण किसमें कितना है दम? मोदी जी ने देश में परिवर्तन लाया, अब छिंदवाड़ा उस परिवर्तन को देखना चाहती है। 2024 का दंगल साख का है सवाल। ये पूरा विश्वास है छिंदवाड़ा की जनता अपना पूरा प्यार और आशीर्वाद हमें देगी। 60 सालों में कोई न्याय दे नहीं पाया, आज न्याय की बात कर रहा है। लोकतंत्र का उत्सव, लोगों में दिखा उत्साह। और बात अमरोहा की, पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है तो इकबाल अंसारी परिवार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे अंसारी परिवार को भी राम मंदिर का न्योता दिया गया था। इकबाल अंसारी ने न्योते को सहर्ष स्वीकार किया लेकिन विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बनाई। तो पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दिया है, बता दें आपको अमरोहा में पीएम मोदी ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर करारा निशाना साधा।
तो इकबाल अंसारी परिवार की जमकर तारीफ भी उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे अंसारी परिवार को भी राम मंदिर का न्योता दिया गया। इकबाल अंसारी ने न्योते को सहज स्वीकार किया, लेकिन विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बनाई। तो बड़ा बयान पीएम मोदी के द्वारा, बता दें आपको, राम मंदिर का न्योता दिया गया था विपक्ष को और विपक्ष ने उसे नहीं स्वीकारा था। उसके बाद ही लगातार जो है बीजेपी घेरती आ रही है, बीजेपी की तरफ से बयानबाजी होती आ रही है और आज फिर एक बार दोहराया गया पीएम मोदी के द्वारा कि मंदिर का न्योता दिया गया विपक्ष को, विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बना ली। और कहीं ना कहीं ये मुद्दे को पूरे चुनाव में भुनाया भी गया और एक बार फिर से पीएम मोदी ने यह बड़ा बयान दे दिया और कहा कि विपक्ष ने राम मंदिर से दूरी बनाई। अंसारी परिवार है, दो दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे, इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था तो ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है वो हर एक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे, जीवन भर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी, सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ